टू माई ब्लॉग। सो आज का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत दिन बाद इतनी अच्छी धूप निकली, वरना तब से इतना फॉगी फॉगी मौसम हो रखा था ना। सो करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आज फिर से फ्राइडे, वीकेंड आने वाला है। मतलब ये हफ्ता कितनी जल्दी चला जाता है ना, एक तो बच्चे के साथ दिन कैसे जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, और ये हफ्ता इतनी जल्दी चला गया। अभी थोड़े दिन पहले मुझे याद भी कहती वीकेंड आ गया, वीकेंड आ गया, और फिर से फ्राइडे आ गया। सो लेट्स सी व्हाट्स इन माय ब्लॉग फॉर द डे एंड हियर वी गो। सो मेरा लंच हो गया था, मैं रेडी हो गई, मैंने आनू को रेडी किया एंड देन आई हैड माय लंच। और अब मैं आनू सो रही है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा कुछ मूवी टाइम देखती हूँ, आई एल लॉग इन नेटफ्लिक्स और लेट्स सी अ मूवी। और वैसे भी वीकेंड पे कल हमारे घर एक गेस्ट आ रहे हैं, आई एल शो कौन आने वाला है आनू से मिलने के लिए। सो आज मैं मूवी देख के थोड़ा चिल करती हूँ, लेट्स सी, आई एल सर्च अ गुड मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। वैसे भी नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज होती है, बहुत अच्छी, मतलब मुझे जो कुछ मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे बदला मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरे को क्राइम वो वाले देखने बड़े अच्छे लगते हैं, क्या कहते हैं वो, डेली क्राइम, हाँ डेली क्राइम का एक सेकेंड आया था जो बहुत अच्छा था, निर्भय वाला नहीं, उससे अलग वाला, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मुझे सब चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे ना मिस्ट्री वाली चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। आपके पास भी कोई सजेशन हो ना तो मेरे को बताना। सो अभी आई विल वॉच अ क्यूट अच्छी सी फैमिली मूवी है, मैंने सोचा है कोई मूवी देखने के लिए, तो आई विल जस्ट सी, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हे गाइस, मैंने मूवी देख ली, बहुत प्यारी मूवी लगी मुझे जर्सी, एंड अब मैं आनू के लिए बनाना मैश कर रही हूँ। एंड उसको बनाना सबसे अच्छा फ्रूट लगता है, सबसे अच्छा, मतलब मैं जस्ट उसको एक छोटा ग्राइंडर मैंने उसके लिए रखा हुआ है, मैं इसमें इसको, वैसे आप मैश भी कर सकते हो बट मैं इसको इसमें ग्राइंड करती हूँ, और एक बार में ग्राइंड हो जाता है फिर वो बहुत इजीली खा भी लेती है। और गाना गा। सो गाइज, अब वैसे बज गए हैं 4, इससे ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर मैं आनू को प्रेफर नहीं करती बनाना खिलाना, बट शी लव्स लव्स बनाना। शाम के टाइम पे नहीं खिलाना चाहिए, बट इट्स 4 तो मैं खिला रही हूँ, बट 5 बजे के बाद मैं कभी नहीं खिलाती उसको। एंड स्टे ट्यून एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर इन माय व्लॉग आगे। और अब मैं वैसे ही शादी की कुछ तैयारी मुझे करनी शुरू करनी है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि दिसंबर में है शादी, एंड मुझे उसकी तैयारी करनी है, बिकॉज मेरे को जो साड़ी पहननी है, उसका ब्लाउज, मुझे सूट, मुझे एवरीथिंग, आई हैव टू गेट प्रिपेयर नाउ, मुझे अपना पार्लर बुक करना है, एवरीथिंग। तो मेरे को अब तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। शादी तो 7th की है, 3 की सगाई है, और हम लोग उससे पहले ही चले जाएंगे, सो इसलिए पीछे की तरफ प्यारा सा ना आ रहा है हम लोग पहले ही चले जाएंगे शादी में, तो इसलिए मुझे तैयारी करके ऑलमोस्ट सारी जानी है, तो अभी मैं मार्केट जाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड मेरा व्लॉग एंड तक जरूर देखना। कितने टॉयज गिराते हो यार, हैं? टॉयज पटक पटक के नीचे के पटकते रहते हो ना, उठा उठा के, हैं? आनू का प्योरी मैश बनाना जो भी कहो रेडी है, खाओगे बाबू? ही देखो आपका खाना आ गया, अपने खाने को देख के ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती, हो गई हो गई, अरे वाह। मैं इसको चांदी की कटोरी और चम्मच से खिलाती हूँ, ये जब बॉर्न हुई थी तो उसके नानू ने गिफ्ट किया था। अरे यार आनू इतनी एक्साइटेड है, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड, जाओ। तो ये नानू और नानी ने गिफ्ट किया था आनू को जब आनू बॉर्न हुई थी, उन्होंने पूरा प्लेट चांदी का डाकी है, बाद में खाना भी उसमें खाए, एंड ये तो मैं इसको इसी में खिलाती हूँ, इट्स गुड फॉर बेबीज अगर उनको सिल्वर में, बट सबका अपना अपना है यार, कुछ कहते हैं कि सिलिकॉन की स्पून से खिलाना चाहिए, मुझे तो ये छोटी सी स्पून है तो इससे बहुत कंफर्टेबल होता है खिलाना है, एंड शी लव्स इट, लेट्स स्टार्ट करें। यू लाइक इट बाबू? कटोरी की तरफ भी नजर है इसकी, हाँ कि मेरा खाना आ रहा है, हीना हीना मेरा क्यूटू बेबी हैविंग बनाना। कल अनुषे कौन मिलने आ रहा है, कल अनुषे कौन मिलने आ रहा है, सुबह आनू उनको लेने जाएगी स्टेशन है, अनु का फेस गंदा हो गया, वेट 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 वेट, अनु स्टेशन लेने जाएगी, ऑल सेट, रेडी। गाइस जस्ट सी कितना प्यारा लग रहा है बालकनी से, ये सनसेट होने के बाद का व्यू, नीचे सारा यहाँ हांगकांग बना रखा है इन्होंने, एंड लाइक सो ब्यूटीफुल।
दिस साड़ी, ये मेरे को मेरे डैड ने गिफ्ट करी थी। ये मैंने सोचा कि मैं पहनूंगी सगाई में, कितनी प्यारी है ना, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। इट्स सच अ क्यूट वन ना, अंदर से इसका ऐसा प्रिंट है नाइस ना। ये मेरे को मेरे डैडी ने गिफ्ट की थी, तो मैं उनको सरप्राइज करूँगी ये साड़ी का नाम के, एंड आई विल गेट दिस सूट स्टिच्ड फॉर मी। ये दुपट्टा है दिस वन, जैसे छोटे मोटे फंक्शंस के लिए। एंड ये मेरा वो लहंगे का ब्लाउज जो मुझे कराना है लूज। एंड देयर इज अ वन मोर ड्रेस, दिस वन, ये मैं पहनने वाली हूँ संगीत में। सो ये ड्रेस मुझे करानी है लूज, दिस इज अ होल ड्रेस इस टाइप से। ये है मेरा पूरा ड्रेस, पूरा एक गाउन टाइप का, ये मेरे को लूज कराना है अपने लिए। एंड सी कितना प्यारा कलर है इसका, ये मेरे को लूज कराना है अपने लिए। एक्साइटेड है अनु, मैं भी एक्साइटेड। ओह स्पीड ब्रेकर आ गया, अच्छी टूटू कर दिया मैंने, कार सीट नहीं लगा रखी, कोई बात नहीं। सो मेरा मार्केट का काम हो गया, मैंने स्टिचिंग के लिए और अल्टा के लिए दे दिया सब कुछ। अब मैं सोचू थोड़ा सा यमी यमी गोलगप्पे खाने जाती हूँ। सो आई लैब थोड़ा बहुत बाहर अभी कुछ, और फिर मैं घर जाके अपना प्रॉपर डिनर करूंगी, बहुत थोड़ा सा खाऊंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। डाइटिंग की तो मम्मी ने मेरा बाबू को, तो आई लैब थोड़ा सा अभी कुछ और फिर हम जाएंगे घर अपने वापस। Say good night. So guys, it was it for the day, and अब मैं आपसे मिलूंगी कल with another vlog. I hope आप लोग को मेरा vlog अच्छा लगा हो, and कल आनु से मिलने को आने वाला है, तो कल का vlog बहुत interesting होगा, so जरूर देखना। And I am sure कि आप लोगों को मेरे vlogs अच्छे लग रहे हो, and please do comment आपको कैसा लगता है। और अब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, so good night from my side, bye family. Thank you.